दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 4 मई 2019 और आज शनिवार के आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर है। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी वर्करों ने किया मंत्री भारत भूषण आशु के ऑफिस का घेराव और ये न्यूज निकल कर आ रही है पंजाब के लुधियाना से। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब की महासचिव व जिला प्रधान सुभाष रानी की अगुवाई में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी वर्करों ने लंबे समय से मांगों को अनदेखा किए जाने के रोष में आज स्थानीय ईएसआई अस्पताल से लेकर पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशु के कोचर मार्केट नजदीक स्थित ऑफिस तक पंजाब सरकार मुर्दाबाद नारों के बीच रोष मार्च करते हुए घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। यहाँ पर यह बता दें कि यह आंगनबाड़ी वर्कर उस समय भड़क उठी जब समय देने के बावजूद मंत्री आशु मांग पत्र लेने के लिए उपलब्ध नहीं हुए। जब मांग पत्र देने के लिए यह आंगनबाड़ी वर्कर ऑफिस में जाने लगी तो उनको सुरक्षा मुलाजमों ने अंदर जाने से रोक दिया। तीखी नोकझोंक के बीच इन प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी वर्करों में से दर्जनों के करीब आंगनबाड़ी यूनियन के सदस्यों को मांग पत्र देने के लिए अंदर जाने दिया गया, लेकिन वहाँ पर मंत्री आशु से मुलाकात तो नहीं हुई। इनका सामना वहाँ पर मौजूद मंत्री आशु के समर्थकों से हो गया। इसके बाद किसी बात को लेकर तकरार हो गई तो यह आंगनबाड़ी सदस्य बिना मांग पत्र दिए नारेबाजी करते हुए बाहर आ गई। नारेबाजी को तेज करते हुए इन प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी वर्करों ने यह ऐलान किया कि यदि 5 मिनट के अंदर उनसे मांग पत्र लेने कोई ना आया तो फिर यहां पर ही पक्का मोर्चा लगा देंगे और इससे निकलने वाले नतीजों के लिए सीधे तौर पर सरकार व जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इस अल्टीमेटम के बाद कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मंत्री आशु की धर्मपत्नी पार्षद ममता आशु ने उनसे मुख्यमंत्री पंजाब के नाम पर सौंपा मांग पत्र ले लिया और उनकी मांग को पंजाब सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इनकी मांगों में मुख्य ICDS स्कीम को विभाग बनाकर आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर को सरकारी मुलाजिम मानते हुए दर्जा 3 व 4 दिया जाए, कर्मचारी बनने तक न्यूनतम वेतन के घेरे में शामिल करते हुए 24,000 रुपए वर्कर व 18,000 रुपए हेल्पर को दिए जाए। इसके अलावा लेबर बोर्ड की सिफारिशों के मुताबिक आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों को CSI EPF के अधीन लाते हुए भारत सरकार लागू करे। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पक्की व साफ सुथरी बिल्डिंग, स्वच्छ पानी व्यवस्था, बच्चों हेतु फर्नीचर, बिजली व टॉयलेट का प्रबंध किया जाए। किराए की बिल्डिंगों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया देने का सरकार प्रबंध करे। एडवाइजरी बोर्ड व चाइल्ड वेलफेयर अधीन चलते प्रोजेक्ट को फिर से ICDS स्कीम अधीन लाया जाए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्रों में यकीनी बनाते हुए प्राइमरी शिक्षा जरूरी की जाए। आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों को सामाजिक सुरक्षा देते हुए कम से कम 6,000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोशन जल्द से जल्द की जाए। आंगनबाड़ी सेंटरों में फीड पकाने हेतु दी जा रही बालन सामग्री हेतु दी जाती राशि में बढ़ोतरी की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों का निजीकरण बंद किया जाए। तो दोस्तों पंजाब से बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संघर्ष किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी इनका मानदेय इतना कम है कि इनको अपना घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए जल्दी से कि आपके हिसाब से आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय कितना होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान के ढोलपुर से। आंगनबाड़ी कार्मिक बोली, नहीं होता चुनाव ड्यूटी का भुगतान। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महामंत्री सरिता बंसल के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मी चुनाव ड्यूटी के दौरान मिलने वाले भत्ता भुगतान को लेकर कलेक्ट्रेट से मिली। उन्होंने कलेक्ट्रेट को अवगत कराया कि अब तक चुनाव ड्यूटी में कार्य करने के बाद भी भत्ते का भुगतान नहीं होता है, जबकि चुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जो अपनी ड्यूटी पोलिंग प्रारंभ होने से पूर्व व मतदान दल के वापस रवानगी तक कार्य करती हैं। अब तक उन्हें किसी प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि उक्त कार्य में लगे सरकारी अर्ध सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस व होमगार्ड को भी नियमानुसार भुगतान किया जाता है। इस पर कलेक्ट्रेट ने संघ की मांगों को जायज मानते हुए चुनाव ड्यूटी करने वाली आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी का भुगतान दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर कलेक्ट्रेट ने कोषाधिकारी को इस संबंध में निर्देशित भी किया। कलेक्ट्रेट के इस निर्णय से आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं में हर्ष देखा गया। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के ढोलपुर से। यहाँ पर बहुत बड़ी मांग की गई, लगातार इतनी ड्यूटी करने के बाद भी इनका मानदेय रोक दिया जाता है, इनके भत्ते भी रोक दिए जाते हैं। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में ड्यूटी की थी उसका भत्ता भी अभी तक रोका हुआ है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या आपके यहाँ
यहाँ लोकसभा चुनाव का भत्ते के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली या फिर नहीं मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। आंगनबाड़ियों ने की जून माह की छुट्टियों की मांग। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक में विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों की जून माह का अवकाश कराया जाए। शुक्रवार को रेलवे रोड स्थित सीटू कार्यालय में आयोजित बैठक में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला मंत्री रजनी राणा ने कहा कि कुछ आंगनबाड़ी वर्करों को अक्टूबर 2018 से मानदेय नहीं मिला है, इसके चलते उनके सामने आर्थिक परेशानी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में चल रहे हैं, सरकार को उनके किराए का भुगतान तुरंत करना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग की है। उन्होंने एकमुश्त 2 लाख रुपए और पेंशन का भुगतान कराने, रमजान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जून माह में आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने वाले बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें दिलाने के साथ ही उनके बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बहुत अच्छी मांग की गई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जून माह की छुट्टी करने की बड़ी मांग की है। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके हिसाब से क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जून की छुट्टी मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान के भिवाड़ी से। मृतक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिजनों को 36,000 की मदद देंगी कार्यकर्ता। कस्बे में गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ एवं राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की संयुक्त बैठक का आयोजन महिला बाल विकास कार्यालय में मसवासी निवासी एवं भामस संजय कौशिक के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकानी सेक्टर के नगला समावधि में कार्यरत रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता शर्मा की मृत्यु के पश्चात उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए बैठक में ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आगे आई और बैठक के दौरान ब्लॉक के सभी 132 सेक्टर सहयोग राशि देने का निर्णय लिया। संजय कौशिक ने बताया कोट कासिम ब्लॉक की आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने 36,300 रुपए की सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक सहयोग राशि जिले के सभी सेक्टरों से एकत्रित कर जिला कलेक्ट्रेट को सुपुर्द की जाएगी। दोस्तों वाकई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत ही अच्छा कदम है, सैल्यूट करता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इतना कम मानदेय होने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा काम कर डाला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगला समाप्ति में कार्यरत रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता शर्मा की मृत्यु के पश्चात उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए 36,300 रुपए की राशि दी है। दोस्तों वाकई में बहुत ही सराहनीय कदम है। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए आपकी इस मामले पर क्या राय है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से। जीआरसी की बैठक में उठी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तैनात संविदा कर्मियों की लंबित समस्याओं के निस्तारण के लिए जनपद स्तर पर गठित ग्रेवियांस रिड्रेशल कमेटी यानी जीआरसी की पहली बैठक हुई। इस दौरान संभाग से जुड़ी कई समस्याओं को सीएमओ के समक्ष रखा गया, जिस पर 100% क्रियान्वयन के लिए आश्वासन भी मिला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को सीएमओ डॉक्टर आर के मिश्रा की अध्यक्षता में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को जनपद स्तर पर त्वरित निस्तारण के लिए गठित ग्रेवांस रिड्रेशल कमेटी की पहली बैठक में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय माह के 2 तारीख तक खाते में भेजने के लिए लिखित आदेश जारी किया गया। प्रमुख त्योहारों के पूर्व भुगतान सुनिश्चित करने, प्रसूता अवकाश एक बार में ही 6 माह की स्वीकृति होने के लिए निर्देशित करने, नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यान्वयन ग्रहण करने अथवा कार्यमुक्त करने के दौरान विभिन्न स्तरों पर होने वाले शोषण से बचाने, आशा कार्यकर्ता संगनी के लंबित भुगतान को अविलंब करने का मुद्दा रखा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ठोस आश्वासन देते हुए 100% क्रियान्वयन की बात कही। दोस्तों अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। यहाँ पर सीएमओ ने बहुत बड़ा आश्वासन दे डाला आशा कार्यकर्ताओं और संगनियों को, जो उनके रोके हुए मानदेय हैं और जो उनके भुगतान रुके हुए हैं वो उनको जल्दी दे दी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा आश्वासन दे दिया गया है सीएमओ द्वारा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। पर्यवेक्षक भर्ती, सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं तो सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे से पर्यवेक्षक के पद की सीधी भर्ती। 2018 की लिखित परीक्षा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं देने पर राज्य के प्रमुख महिला व बाल विकास विभाग के सचिव व निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से 22 मई तक जवाब मांगा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश आशा मिश्रा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि 1 अक्टूबर 2018 को विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे से पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती से 309 पदों पर आवेदन मांगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा का सिलेबस जारी किया, लेकिन 3 मार्च 2019 को भर्ती की लिखित परीक्षा हुई और इसमें सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं दिया गया। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।